हूं आपके साथ शिवम सोने। एक तरफ तो गरियाबंद के छिंद तालाब को रायपुर के मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने के तमाम दावे हो रहे हैं, वहीं छिंद तालाब के विकास को लेकर अब तक नगर पालिका के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसे तमाम दावे हवा हवाई नजर आते हैं। अब तक तालाब की सफाई पर नगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं सुधर सके। वहीं एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेनन ने छिंद को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस नेता और नगर पालिका के नेता बीजेपी पर छिंद तालाब की सफाई को लेकर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए आप, पूरा जो तालाब है जलकुंभी पूरा पटा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद हमारी सरकार इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हमने माननीय विधायक महोदय को भी प्रस्ताव भेजा है और मुख्यमंत्री सरोवर धरोहर योजना जो है उसके द्वारा अनुदान मिलने पे हम इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे। ठेके में दिए हैं, वो बहुत कुछ अभी तक साफ किया है, लेकिन हम अभी नई टीम बैठने के बाद हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट ही हम लोग मान के चल रहे हैं छिंद तालाब, और हम लोग ने यहाँ से प्रोजेक्ट बनाकर सर्वे कराकर भेज दिए हैं, उसको मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाएंगे बहुत जल्दी। मुझे लगता है शासन से जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी वहां से फंड आ जाएगा, उसका काम चालू हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, लाखों रुपए खर्च हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर तालाब का विकास कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो छीन तालाब है गरियाबंद जिला मुख्यालय का सबसे प्रमुख तालाब माना जाता है, और गरियाबंद में कम से कम 12 से 15 हजार की आबादी है, जहाँ की 60% लोग गर्मी के दिनों में निस्तारी के लिए यहाँ पे निर्भर होते हैं। पिछली बार जो है सरकार भाजपा की थी और नगर पालिका में भी सरकार जो है भाजपा की रही, लेकिन उन 5 साल के दरमियान करीब 3 बार लगातार उसको कभी सफाई के नाम सफाई किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया, श्रमदान का भी दिखावा किया गया, फोटो सेशन हुए, वहीं लगातार छीन तालाब को लेकर उसमें उसको सुर्खियां बटोरने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो छीन तालाब है उसकी स्थिति फिर से वैसी हो गई, जलकुंभियों से भरा पड़ा हुआ है, लोग वहां जाने के लिए कतराते हैं, पानी का तालाब का पानी भी साफ नहीं हो रहा है। तो अब जो है मामला जो है जब सरकार कांग्रेस की आई, हालांकि यहाँ नगर पालिका जो है के अध्यक्ष जो है भाजपा के हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस के होने के कारण अब यह जो सियासी दावपेच इसमें शुरू हो गए हैं। कांग्रेसी का आरोप है कि यहाँ जो भाजपा के लोग उस तालाब को सुर्खियों बटोरने के लिए लगातार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पालिका के अध्यक्ष से हमने बात किया तो उनका कहना है कि 35 एकड़ के इस तालाब में के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ रुपए लगभग का प्रस्ताव पास किया है, और उन्होंने दावा भी किया है कि इसको मरीन ड्राइव से भी बेहतर बनाएंगे इस बार और इसको करके दिखाएंगे। लेकिन जब बात कांग्रेस की आई तो कांग्रेस का कहना है कि ये इस तरह से पिछले बार भी कई लंबे समय से इस तरह से करते आ रहे हैं, लेकिन सफाई बिल्कुल होता नहीं और केवल जो राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए किया जाता है, ये कांग्रेस का आरोप है। निश्चित रूप से बीजेपी के अध्यक्ष है नगर पालिका में, लाखों रुपए जब खर्च हो गया है तो इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जब काम ही शुरू नहीं होता, कोई विकास कार्य नहीं दिखता, तो इतना सारा पैसा जो वहां से आता है फिर जाता किधर है पुरुषोत्तम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है अभी वर्तमान में जो है गफ्फू मेमन बने हुए हैं, इससे पहले जो दूसरे अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल, अभी गफ्फू मेमन का कार्यकाल महज 15 से 20 दिन हुआ है, अभी नए तरीके से करने के लिए दावा कर रहे हैं। इसके पहले जो काम हुए हैं उस काम को लेकर तमाम सवाल खड़े होते थे कि छिंद तालाब के जो सौंदर्यीकरण है वो किस तरह से होता रहा होगा, ये अभी वर्तमान स्थिति में देखने को जो मिल रहा है, क्योंकि उस समय भी करीब 15 से 20 लाख रुपए उसमें खर्च होना बताया जा रहा है, और उस 15 से 20 लाख रुपए में काफी अच्छे से बेहतर तरीके काम होते, और उस समय भी नेताओं ने भी श्रमदान की भी एक वो चलाया था, सिलसिला चलाया था, काफी लोग वहां जुड़े थे, श्रमदान में भी साफ सफाई की गई, लेकिन फिर साल भर के अंदर फिर तालाब की स्थिति जस के तस हो जाने के बाद निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है कि उस समय जो खर्च किए गए थे पूर्व पालिका के कार्यकाल में जो खर्च होते रहे, आखिर वो खर्च कहाँ जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको समझना होगा कि आखिर उसमें जो खर्च होते हैं वास्तविक खर्च हो रहे हैं या फिर किस तरह से वहाँ पे खर्च किए जाते हैं, दिखावा के लिए होता है या कागजों में खर्च करते हैं, ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। हमारे साथ गफ्फू मेनन नगर पालिका के अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गप्पू साहब, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद गप्पू साहब। लाखों रुपए खर्च हो गया है मरीन ड्राइव की तर्ज पर छिंद तालाब को विकसित करना है, लेकिन आखिर कमी कहाँ रही है, क्यों हम मरीन ड्राइव की तर्ज पर इसे विकसित नहीं कर पा रहे? नहीं देखिए, पहले की बात तो मैं नहीं जानता, जब से हम लोगों ने अभी नई बॉडी गठन हुई है उसके बाद से हम लोगों ने हमारा सबसे पहला फोकस इसको छिंद तालाब को लेकर चल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट बनाया है और उसको रायपुर के मरीन ड्राइव के तर्ज पर उसका प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। 5 करोड़ 12 लाख का हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजा है शासन को, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये शासन इसको पास करके भेज देगी और इसमें काम चालू हो जाएगा।
तो कब तक लगता है आपको, कब तक ये पूरा निर्माण कार्य शुरू होगा, फिर कब तक खत्म होगा? अब शासन के ऊपर जाएगा इसमें, शासन के ऊपर है और गरियाबंद की सबसे मेन जगह मानी जाती है इसको, और इसको शासन के फोकस करने के लिए हमारे सारे पार्षद और नगर पालिका के अधिकारी और कलेक्टर साहब ने भी, गरियाबंद जिलाधीश ने भी इसका लेटर लिख चुका है शासन को। जी गप्पू मेनन जी, कांग्रेस का कहना है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं विकास के लोगों का। देखो वो विपक्षी है, वो तो बोलेंगे दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि हम दिखावा कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, गप्पू मेनन कह रहे हैं कि जल्द ही विकास कार्य शुरू होगा और जल्द ही मरीन ड्राइव की तर्ज पर इस तालाब का निर्माण हो जाएगा। जी बिल्कुल, स्थिति अभी जो है पहले के अपेक्षा अभी इनके पास काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि उस समय जो है नगर पालिका के अध्यक्ष जो है भाजपा के थे और सरकार भी भाजपा की थी। अब जो है भाजपा के ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो निश्चित तौर पर काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा, काफी गुणाभाग करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, प्रशासन भी पूरा सपोर्ट मिला है, लेकिन अब जो है सरकार कब इस मामले में संज्ञान लेती है, सरकार कब तक इसके लिए फंड जारी करती है, अब ये वो फंड रिलीज होने के बाद ही यह तय होगा कि किस तरह से यहाँ पे होंगे। और निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि सरकार कांग्रेस का है, यहाँ लोग जो है कांग्रेस के लोग भी भिड़े हुए हैं और पालिका भाजपा का है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में अगर पैसा देती है तो कांग्रेस के लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, और जिस हिसाब से दावा गप्पू मेनन जो कर रहे हैं कि काम बेहतर से बेहतर तरीका होगा, तो लोगों को उम्मीद भी है कि इस बार जो है बेहतर काम हो सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पुरुषोत्तम। और अब खबर विभिन्न तरह से।